हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पूर्णिया के ब्लॉगर। हाँ दोस्तों, अभी हम आए हुए थे नेवालाल चौक। हम दोनों आए हुए थे किसी काम से, तो यहाँ पता चला जस्ट ई होम जो है पनोरमा सिटी का, तो उसमें भागवत हो रहा है। तो हम दोनों भी सोचे चलो उसमें जाते हैं और देखते हैं वहाँ का मतलब नज़ारा, आप सबको भी दिखाते हैं। और ऐसे भी भागवत सुनने के लिए जाना चाहिए हर इंसान को। तो अभी आए हुए हैं तो हम दोनों भी वहीं चल रहे हैं, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें और चलिए दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। हो जाए
जितना उसे प्रयास किया है उतने ही हम साकल्य प्रदान करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बोलिए कि नारायण चलो भाव बताते हैं कि जब तक साधन का अहंकार रहेगा, यशोदा प्रयास कर रही है परमात्मा को पकड़ने के लिए, सारे यत्न कर रही है, जब मतलब साधन सब कुछ है, लेकिन जब तक मन में साधना का अहंकार विकसित रहेगा तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। भगवान जरूर मिलेंगे, साधन का भी अहंकार होगा वो भी पतन की तरफ। देखो ससूमी अहंकार भी पतन का कारण ही होता है। साधना का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तपस्या का भी अहंकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार होगा तो ईश्वर को पकड़ना मुश्किल है, और साधन से तो ईश्वर मिलते हैं ये बात सच नहीं है। साधन तो, लेकिन ये अभिमान अगर रहे कि हम उनको पा लेंगे, तो ये अभिमान जब तक रहेगा तब तक ठाकुर मिलते नहीं है। मैया ने जैसे छड़ी फेंका, अभिमान रूपी छड़ी का जैसे फलिता किया, ठाकुर ने खुद अपना बाह मैया को पकड़ा दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया ने कहा कि अब की बार अगर दंडित नहीं करूंगी तो बड़ा उदंड हो जाएगा। मैया ने उखल में बांधना शुरू किया, इसी उखल पर चढ़ करके, और तू मटकों को फोड़ता है ना, आ जा इसी उखल में बांधती हूँ। रस्सी ले आई, एक रस्सी आई, दूसरी रस्सी आई, तीसरी रस्सी आई, जितनी भी रस्सी आती है सब कम पड़ती जाती है। एकदम थक गई, पसीने से दर बदर हो गई, तो भगवान की कृपा शक्ति। और उसके बाद जमलाजन का उद्धार हुआ। नलकुआ और मरगीव थे, ये नारद के साप से वृक्ष अद्भुत मान गए थे। के बाद उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। पाणी गुणांकने सौणो कथायाम असौच कर्म मनसौ पादयोन पुण्यं दृष्टव निवास जगत प्राणामि दृष्टि सताम दर्शने सुभव तनूना। भैया बोले तो सोचा भैया
सब कैसे भैया? हेलो गाइस, जैसा कि हम दोनों ने आपको बताया था कि हम लोग भागवत कथा में जाने वाले हैं, जो कि ई होम में हो रहा है नेवालाल चौक के पास। तो यहाँ आइए आप भी, काफ़ी ही अच्छा है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मतलब यहाँ हवन हो रहा है और तरह तरह के पूजे हो रहे हैं, तो आप लोग आइए एक बार घूमने के लिए। मेला भी लगा हुआ है, अच्छा देखिए आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे भी आना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तो आप लोग आइए, यहाँ पे ई होम नेवालाल चौक के पास हो रहा है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आए और यहाँ के देखे नज़ारा। यहाँ का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, धूप है नहीं, तो आप लोग ज़रूर आइए। देखिए दादी, बढ़िया सामान खाइए ना, खाओ। अभी किशु जलेबी खा रहा है। किशु जलेबी कैसा है? मस्त है। मैं कैसे समझूं? और इसको देखिए, भूख हड़को जलेबी जलेबी खा रही है अभी, इसको भूख लग गया था। बहुत टेस्टी है जलेबी, बहुत और मीठा इतना कम है इसमें। हाँ मीठा कम है, कोई भी खा सकता है, ये एकदम ठीक है, ज्यादा मीठा नहीं है। अब कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता गाइस, मन तो करता ही है ना कभी कभी खाने का। हाँ तो आता तो बात है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। हाँ, आप लोग भी ख्याल रखना, जिनको भी डायबिटीज है मीठे से दूर ही रहना, पर कंट्रोल है तो कभी कभी चलता है। हेलो गाइस, हम लोग भागवत गीता से वापस घर आ चुके हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा था, इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे थे रिकॉर्ड। तो घर बोलो ना, दादा पेट में रखती है। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो नहीं हुआ वहाँ पे, इसलिए घर आके वीडियो, घर आके हम लोग वीडियो शूट कर रहे चेंज करके। हाँ, वहाँ का भी ड्रेस चेंज था, यहाँ का भी चेंज है, अब क्या कर सकते हम लोगों के पास ज्यादा ड्रेस नहीं, हम लोग गरीब ब्लॉगर है।
ऐसा नहीं ज्यादा है, तुमने चेंज कर नहीं ऐसे ही वहाँ पे अच्छा लगा भागवत, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग तो खत्म हो गया आज। अब तो खत्म हो गया है, तो ये बाद में मतलब हम लोग लास्ट डे शूट करने गए थे तो इसीलिए लेट से आएगा, तो हम सबको भी पता चला था, अचानक पता चला। हाँ अचानक पता चला तभी हम लोग गए, तो आप लोगों को एक दिन बाद मिलेगा ये वीडियो, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता एडिटिंग करके पोस्ट करना। हमसे पूछिए ना बात, इससे क्या पूछते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं करती हूँ एडिटिंग, फिर भी मुझे पता है क्योंकि दुख पता है, दर्द पता है। ये करता है ना, मैं देखती हूँ बेचारा उस टाइम पे, मैं अगर इसको कुछ बोलूं भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है फिर भी ये सुनता नहीं है ये। हाँ तो एडिटिंग करते हैं, चल रहा है इसका काम। सो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है, आगे बढ़ेगा एक दिन। कीप इट अप, इसके लिए सच में एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम कभी भी कीजिए। हाँ और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे फिर। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बोलने नहीं देती है। बोलो।